नमस्कार मावचा में आप सबका स्वागत है। गाइस ये वीडियो आज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। वैसे इस वीडियो को मुझे थोड़ा सा पहले रिलीज करना था जन्माष्टमी के पहले, बट कोई बात नहीं, मैंने बोला अभी अगले साल से आप लोगों के काम में आ जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी बेटी को राधा रानी कैसे बनाया था इस जन्माष्टमी, और साथ ही जो भी एक्सेसरीज, क्योंकि मेरे व्लॉग चैनल पर जब मैंने व्लॉग शेयर किया ना तो कई लोग पूछ रहे थे कि आपने अपनी बेटी को मांगटीका का कहाँ से लिया, नथ कहाँ से ली एंड दुपट्टा कहाँ से लिया, तो ये सारी एक्सेसरीज पे भी ये वीडियो होने वाला है। मैं सारी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, एक्सेसरीज वगैरह, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये सारी एक्सेसरीज अमेजोन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो शुरू करने के पहले ना मैं आपको बता दूं कि आप जब भी बच्चे को राधा रानी बनाते हो तो ऑब्वियसली लहंगा पहनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको नया लहंगा लेना है, और ऐसा भी नहीं है आपको सेम लहंगे को ही रिपीट करना है। मतलब मेरा ये है कि जैसे आप राधा रानी का गेटअप ऐसा होता है कि लहंगा किस भी कलर का हो सकता है, ब्लाउज किस भी कलर का हो सकता है एंड दुपट्टा भी किसी भी कलर का हो सकता है। तो जैसे कि आपका खुद का जो दुपट्टा हो वो भी आप इनफैक्ट यूज कर सकते हो राधा रानी बनाने में। दुपट्टे यूजुअली छोटे से आते हैं बच्चों के लहंगे में, तो आप कोई भी अपना दुपट्टा, मल्टी कलर दुपट्टा, एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप नया लुक क्रिएट कर सकते हैं हर बार। मेरे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हो सकता है इस वजह से आपको थोड़ा सा नॉइस आए, बट ठीक है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने अपनी बेटी को लहंगा पहनाया था तो मैंने उसमें येलो दुपट्टा का यूज किया था, फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमने पिंक दुपट्टे का यूज किया था। तो इस तरीके से दुपट्टे चेंज करने से गेटअप काफी चेंज हो जाता है। आप दुपट्टे के हिसाब से बच्चे की ज्वेलरी भी चेंज कर सकते हो, बैंगल्स चेंज कर सकते हो। तो मैंने इस बार क्या किया है, मल्टी कलर दुपट्टा यूज किया है। तो ये दुपट्टा वैसे मैंने लिया है वृंदावन से, मैं जब वृंदावन गई थी घूमने के लिए तब, लेकिन मुझे इसका सेम अमेजोन पे मिल गया, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सेसरीज की जो मैंने ली है अपनी बेटी को पहनाई है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मांग टीका। तो मांग टीका ये बहुत ही प्यारा है, मैंने 2-3 साल पहले लिया था, अभी तक चल रहा है, मेरे बच्चे के ही काम आता है क्योंकि मैं ऐसी चीजें तो कम पहनती हूँ। तो ये देखिए ऐसा है, बीच में व्हाइट स्टोन है और ये इस तरीके से साइड में देखिए चेन मिल जाती है। बहुत ज्यादा प्यारा है, इसको पहनाने में ना बहुत अच्छा लगता है। अगर राधा रानी बनाना हो या डांस कराना हो बच्चे को किसी भी चीज में, बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। तो ये भी मैंने अमेजोन से लिया था, आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी। साथ ही ये जो नथ है ये भी मैंने अमेजोन से ही दी थी, ये देखिए बहुत प्यारी नथ है ये भी, और साथ ही ये लाइट वेट है, ये बच्चों को इसको पहनाना बहुत आसान है। तो ये दोनों मैंने अमेजोन से लिया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड इसके साथ मैंने पहनाई थी अपनी बेटी को कमर बंद, तगड़ी बोलते हैं शायद कई लोग। तो ये देखिए गोल्डन स्टोन में है, तो ये तो ऐसी चीज है कि आप खुद भी पहन सकते हो कभी अगर आपको पहनने का मन हो तो। तो ये मैंने एक्चुअली बहन की शादी में लोकल मार्केट से लिया था, बट इसका मैं देखती हूँ अगर मुझे अमेजोन पर मिल गया तो मैं वो भी आपको मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा मैंने अपनी बेटी को बड़ा वाला ये नेक पीस मंगाया पहनाया था। तो ये देखिए ये नेक पीस है, बहुत प्यारा नेकलेस है ये, एंड ये उसका पेंडेंट, तो काफी अच्छा लग रहा था बड़ा कलर का, और ग्रीन कलर ऐसा है कि वो हर किसी कलर के लहंगा या ड्रेस में अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैंने अपनी बेटी को चोकर पहनाया था, मैं उसको भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है वो चोकर जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था पहनने पे, तो इसको भी मैंने पहनाया था, और ये भी अमेजोन से है, इसका भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। और अमेजोन पे क्या है, सेल चलती रहती है, डिस्काउंट ऑफर, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी बेटी को बैंगल्स भी पहनाए थे, तो वो बैंगल्स भी मैंने अमेजोन से लिए, बहुत ज्यादा प्यारे कड़े हैं वो भी एक्चुअली नीचे रखे हुए, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वो एक्चुअली पेच वाले हैं, तो जैसे वो आपको भी आ जाएंगे और आपकी बेटी को, बच्चे के भी आ जाएंगे, तो उसको आप डायरेक्ट पहना दो लेकिन हम उसका पेच ओपन करके पहन सकते हैं, तो वो बहुत स्मार्ट और बहुत प्यारे हैं वो भी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को राधा रानी कैसे बनाया था, ताकि कुछ मैं आपसे टिप्स भी शेयर करूँ। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं राधा रानी बनने वाली हूँ, और सबको हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी, एंड बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और ये मैं लहंगा पहनूंगी, ये लहंगा पहनेगी, बट इसका ब्लाउज एंड दुपट्टा इज डिफरेंट, बट हम ये वाला वेयर करवाएंगे लहंगे को। ये मल्टी कलर में दुपट्टा है एंड इसको वृंदावन से लिया है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दुपट्टा ड्रेपिंग में कौन सी टिप्स का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखिए, आपके बच्चे का शोल्डर जितना ब्रॉड हो उतनी ही विड्थ का आप दुपट्टे की प्लीट्स बनाइए, क्योंकि उससे फिर भी आधी इंच ज़्यादा आप कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप उससे और भी ज़्यादा कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, बच्चे के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ना तैयार होने के बाद एक जगह तो बैठते हैं नहीं, वो खेलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, तो इसलिए आपको ब्रॉड नहीं लेना। तो ये देखिए मैंने अपनी बेटी के शोल्डर के जितने विड्थ का ही प्लीट्स ली है, या तो आप
चाहो तो आधे इंच फिर भी ज़्यादा हो जाए तो हो जाए, बट उससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करिए कि जो दुपट्टे का फैब्रिक हो वो पतला हो, जैसे कि शिफॉन हो सकता है, जॉर्जेट हो सकता है, सिंथेटिक फैब्रिक हो, लेकिन कॉटन वगैरह फैब्रिक अवॉइड करिएगा क्योंकि उससे थोड़ा सा प्लीट्स बनाने में भी मुश्किल हो जाती है। अब मैंने सोचा था अपनी बेटी का मैं सर नहीं ढकूंगी, तो मैंने जो पीछे के लेकर के है ना फैब्रिक, वो मैंने बहुत आगे टक किया है। फिर मुझे लगा इस बार मैं वी नेक करके ऐसे दुपट्टा उसको पहनाऊंगी, लेकिन फिर भी वो सही नहीं लगा मुझे, फिर मैंने खैर बाद में उसको निकाल लिया था। मेकअप की बात करें तो मैंने अग्रिमा का फेस मॉइस्चराइज कर लिया है और उसके बाद मैं डायरेक्ट फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी जो भी प्रोडक्ट्स मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी बेटी पर, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो मैंने जो फेस पाउडर यूज़ किया है वो है स्विस ब्यूटी का, एंड ये मैं मामा अर्थ की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ शेड नंबर 4। तो इसको मैं एज अ टिंट यूज़ करूँगी, मतलब आई शेडो भी लगा दिया मैंने, इससे ब्लश भी लगा दिया है, साथ ही मैं इससे लिपस्टिक भी लगा दूंगी। तो जो इसका कलर है ना ये लाइट पिंक न्यूड शेड है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत डार्क कलर ऑब्वियसली बच्चों की मासूमियत निकल जाती है उससे। मैं आईलाइनर वगैरह यूज़ नहीं करती अपनी बच्ची के, बस हल्का सा आपने देखा जैसे एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने आँख के किनारे और जैसे डॉट डॉट रख दिए हैं, बाकी मैं आईलाइनर वगैरह नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा बिंदी लगा देती हूँ। और बात करें अगर हेयर स्टाइल की, तो मुझे बच्चों पे स्पेशली हेयर स्टाइल बनाना अच्छा ही लगता है क्योंकि उससे मुझे लगता है उनकी मासूमियत चली जाती है। तो इस बार मैं सोची थी उसके हेयर ओपन करूँ, मैंने ट्राई भी किया बट हेयर ओपन करने में भी उसका कहीं ज्वेलरी फंस रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, हर बार मैं उसका जूड़ा बनाती हूँ, बट एट द एंड मैंने भी जूड़ा बना दिया था। तो अभी आपको बताऊँगी किस तरीके से बनाया था। दो तरीके की ज्वेलरी यूज़ कर रही हूँ, एक चोकर और एक लॉन्ग नेकलेस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप तगड़ी यूज़ कर लीजिए, अगर आपके पास तगड़ी नहीं है कमरबंद तो आप कोई भी लेस हो ना तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बांध सकते हैं। हेयर स्टाइल मैंने बताया सिंपल पोनीटेल करके और पीछे जूड़ा बनाऊंगी मैं डोनट से, क्योंकि अगर वो मांग वांग निकाल के और ऐसे हेयर स्टाइल बना दो ना तो सच में बच्चे बहुत बड़े लगने लगते हैं, उनकी मासूमियत चली जाती है। आप चाहो तो राधा रानी के ऊपर दो चोटियाँ भी काफ़ी अच्छी लगती है, अगर आपके बच्चे के कुछ ज़्यादा ही लंबे बाल हैं तो आप दो चोटी भी बना दीजिए, वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। और ये देखिए डोनट से हमने काफ़ी अच्छे से जूड़ा बना दिया, थोड़ा बड़ा साइज़ का है डोनट पर ठीक है, लग गया, अच्छा लग रहा था। और ये अब मैं लगा देती हूँ अपनी बेटी को मांग टीका, ये मांग टीका बहुत ज़्यादा प्यारा है और इस ये ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इससे लुक बहुत सुंदर आता है। आप चाहे तो फूलों वाली ज्वेलरी भी यूज़ कर सकते हैं, फूलों की ज्वेलरी मैंने पिछले दो बार जब राधा रानी इसको बनाया है तब मैंने यूज़ की थी, बट इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट लुक करना चाह रही थी इसलिए मैंने ये ज्वेलरी यूज़ की है। और ये देखिए मेरी छोटी बेटी उसको देख करके खुश हो रही कि क्या हो गया, दीदी का तो बिल्कुल रूप ही बदल गया है। इसके बाद मैं उसको नथ पहना दे रही हूँ, नथ पहनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बट ठीक है, वो उसने पहन लिया क्योंकि मैंने बहुत तेज से नहीं दबाया, हल्का सा उसको मैंने प्रेस कर दिया है। बस ये है कड़े, तो ये कड़े बहुत प्यारे हैं, ये पीच वाले जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको ऐसे पच्चे पहन सकते हैं। तो ये देखिए हमारी पूरी राधा रानी तैयार हो गई हैं। और बाद में मैंने उसके जूड़े में मेरे पास फूलों वाली ज्वेलरी का इयररिंग रखा हुआ था, तो उस इयररिंग को मैंने फंसा दिया था उसके जूड़े में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और लास्ट में अग्रिमा के हाथों मैंने फूलों वाली ज्वेलरी का ब्रेसलेट भी पहना दिया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए हमारी राधा रानी तैयार हो चुकी है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर मेरे ब्लॉग चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है सोनल्स व्लॉग्स, जहाँ पर मैं हर दिन डेली व्लॉग शेयर करती हूँ, तो आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।